नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लैश। आज आईपीएल के चौथे मैच में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स की टीमें आमने सामने होंगी। वहीं कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने हैदराबाद को 10 रनों से हराया। इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच होने वाले मैच के बारे में। दोनों ही टीमों के संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे, की प्लेयर्स पर नजर डालेंगे और साथ ही मैच प्रेडिक्शन को भी जानेंगे कि आखिर कौन सी टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज कर सकती है। सबसे पहले नजर डालते हैं राजस्थान रॉयल्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के ऊपर कि आखिर कौन सी प्लेइंग 11 के साथ ये उतर सकती है पंजाब के खिलाफ। राजस्थान की टीम कुछ इस प्रकार हो सकती है: यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर, संजू सैमसन जो कि तीसरे स्थान पर खेलेंगे और वो कैप्टन भी हैं टीम के, बेन स्टोक्स, मनन वोहरा, क्रिस मॉरिस, राहुल तवेतिया, श्रेयस गोपाल और जयदेव उनादकट के साथ कार्तिक त्यागी और मयंक मारकंडे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार की टीम आपको देखने को मिलेगी राजस्थान रॉयल्स की टीम के। अगर की प्लेयर्स की बात करें तो जोस बटलर, बेन स्टोक्स और संजू सैमसन, इन तीन प्लेयर्स पे कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हद तक निगाहें रहने वाली है, क्योंकि ये जो प्लेयर्स हैं इनका चलना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा अगर पंजाब के खिलाफ राजस्थान को जीत दर्ज करनी है तो। वहीं अब अगर पंजाब की प्लेयर्स के साथ ही अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले प्लेइंग 11 पर नज़र डालते हैं पंजाब की, जो कि कुछ इस प्रकार हो सकती है: क्रिस गेल, मयंक अग्रवाल ओपनिंग करते हुए नज़र आएंगे आपको, उसके बाद लोकेश राहुल वन डाउन खेल सकते हैं उम्मीद है, या फिर मनदीप सिंह भी वहां पर जगह ले सकते हैं। बता दूं आपको कि लोकेश राहुल कैप्टन और विकेट कीपर हैं इस टीम के। तो क्रिस गेल, मयंक अग्रवाल, लोकेश राहुल, निकोलस पूरन, मनदीप सिंह, जलज सक्सेना, मोजेज हेनरिक्स, ईशान पोरेल, रवि बिश्नोई, मोहम्मद शमी और जे रिचर्डसन, कुछ इस प्रकार की टीम आपको देखने को मिलेगी पंजाब की और राजस्थान के खिलाफ। वहीं अगर की प्लेयर्स की बात करें तो इस मैच में क्रिस गेल, लोकेश राहुल और मोइजेज हेनरिक्स टीम के लिए की प्लेयर साबित हो सकते हैं। निश्चित तौर पे ये जो प्लेयर्स हैं इनका अच्छा प्रदर्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा अगर पंजाब की टीम को राजस्थान के खिलाफ जीत दर्ज करना है तो। वेन्यू है वानखेड़े स्टेडियम, ऐसे में यहाँ बल्लेबाजों का बोलबाला निश्चित तौर पे आपको देखने को मिल सकता है। विशाल स्कोर के साथ ही एक रोमांचक मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है। टॉस बता दूं आपको कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है। मैच प्रेडिक्शन की बात करें तो इस मुकाबले में पंजाब की टीम का पलड़ा राजस्थान के मुकाबले कहीं ना कहीं भारी लग रहा है और उम्मीद है कि पंजाब की टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज करेगी। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, साथ ही क्रिकेट के लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ, लव यू ऑल।